तुम्हारा ये मायावी तीर अदृश्य होकर अपने लक्ष्य को नष्ट कर देगा। तुम चाहती ही नहीं हो कि अंजना हमारे राज्य अभिषेक में आए। मैं मर जाऊंगी स्वामी। तो अंजना भी मर जाएगी और मैं भी अपने प्राण त्याग कर दूंगा प्रभु। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बजरंग बली पवन पुत्र बजरंग बली अंजन सुत बजरंग बली गारवे रुद्र बजरंग बली जय कपीश बजरंग बली महावीर बजरंग बली रामदूत बजरंग बली श्री राम भक्त बजरंग बली पंचमुखी बजरंग बली महाबली बजरंग बली हयहारी बजरंग बली हितकारी बजरंग बली जय 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 समझ के खाने उड़ते हैं बजरंग बली सूरज को मुख में रख लेते जय 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 बजरंग बली शाप के कारण बल भूले जय 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 बजरंग बली क्या जाने पर शक्ति पाते जय जय बजरंग बली राम लखन को कंधे पर बैठा उड़ते बजरंग बली राम भक्त को राम मिल गए बजरंग बली। हम तो कहते हैं मित्र उसे कोक में ही समाप्त कर दो। कोक में ही? कोक में ही मैं कैसे मार सकता हूं उसे? मृत्यु मायावी तीर से मित्र तुम अपने राज अभिषेक में अंजना केसरी को बुलाओ। वैसे तो वो नहीं आएगी पर यदि तुम अपने आमंत्रण पत्र पे तारा से कुछ पंक्तियां लिखवा दो तो उसे अवश्य आना होगा क्योंकि वो दोनों बचपन की सहेलियां हैं मित्र। बस तुम अवसर देखकर इस तीर का प्रहार अंजना के कोख पे कर देना और हमारा ये मायावी तीर अदृश्य होकर अपने लक्ष्य को नष्ट कर देगा। अंजना की कोख नष्ट हो जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। जाओ मित्र और इस कार्य को संपन्न करो। Thank you.
स्वामी, अंजना स्थिति में नहीं है कि वो कोसों दूर से चलकर यहां तक आए। तारा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चलकर आए। ये श्री राजा है, उनकी पत्नी पालकी में ही आएंगी, और पालकी से आने में उन्हें क्या समस्या होगी? किंतु स्वामी, रास्ते में कब क्या अड़चन आ जाए कोई नहीं जानता, और फिर उनकी कई वर्षों के बाद इच्छा पूरी होने वाली है। ऐसे में हम उन्हें संकट में ना ही डालें तो ही अच्छा है। इसका अर्थ ये है कि तुम चाहती ही नहीं हो कि अंजना हमारे राज्य अभिषेक में आए। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो हमारी अंतरंग सखी है। बस बस, रहने दो। मुझे पता है तुम उससे मन ही मन जलती हो, क्योंकि हमारे विवाह से पहले वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और अच्छी लगे क्यों ना, वो अप्सराओं के समान सुंदर है। आपने तो बात को इतना बढ़ा दिया। और नहीं तो क्या, मेरे जीवन के इतने बड़े शुभ अवसर पर यदि अंजना ना आए तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? मैंने तो निमंत्रण पत्र लिख दिया है, किंतु तुम उसे बुलाने के लिए दो पंक्तियां भी नहीं लिख सकती। स्वामी, आप तो रुष्ट हो गए। लाइए, हम लिख देते हैं। अब तेरे बालक की मृत्यु निश्चित है अंजना, निश्चित है। प्रिय सखी अंजना, बाल्यावस्था से मेरे प्रत्येक सुख दुख के क्षण में तुम मेरे साथ रही हो। मेरे पति किष्किंधा के सम्राट बनने वाले हैं। ये अवसर तुम्हारे बिना संपन्न हो मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम्हें आना ही होगा। तुम्हारी प्रतीक्षा में तारा। स्वामी, तारा ने कितने प्रेम से निमंत्रण भेजा है, मुझे जाना चाहिए। किंतु इस हाल में तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। स्वामी, तारा मेरी बचपन की सखी है, यदि मैं ना गई तो उसे कष्ट होगा। अंजना, बड़ी मन्नतों और तपस्याओं के बाद तुम्हारी गोद भरी है, ऐसे में हम किसी भी प्रकार का संकट मोल नहीं ले सकते। स्वामी, ऐसे अवसर भी तो हर दिन नहीं आते ना। किंतु अंजना, केसरी माली महाबली है और बलवान पड़ोसी से मित्रता रखना ही राजनीति है, इसलिए हमारा वहां जाना अति आवश्यक है। और अंजना के जाने से तो मित्रता और भी दृढ़ होगी। किंतु काका, यात्रा लंबी है, ऐसे में कहीं भी कोई भी बड़ी बाधा आ सकती है। अंजना को हम पालकी में लेकर चलेंगे। सोचते क्या हो केसरी, अन्य बाधाओं के लिए हम तो है ना। स्वामी, घबराइए मत, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। हम जाकर यात्रा की व्यवस्था करते हैं, और तुम दोनों शीघ्र ही राज्य अभिषेक में चलने के लिए तैयार हो जाओ।
अस्मान विश्वानि देव वायु चद्वम् संवदध्वम् संवमनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे सभी को सोते हुए देख कर पाली तो मुस्काता है, लक्ष्य का भेदन करता है, माया भी तीर निकालता है, तीर के पीछे फूंक मारता है, अंजना की कोख में लगता है, चीख उठी पीड़ा से अंजना, पाली पलायन करता है, पाली पलायन करता है, अंजना क्या हुआ? पता नहीं स्वामी, बहुत पीड़ा हो रही है, लग रहा है जैसे पेट में आग लगी हो। मैं मर जाऊंगी स्वामी, कुछ कीजिए। मैं जाता हूं, किसी सेवक या दासी के हाथ बाली को सूचना भेजता हूं, वो राजवैद्य को लेकर आएगा, राजवैद्य को लेकर आएगा। कोई है? कोई दासी सेवक? अरे कोई है बाहर? अरे कोई द्वार खोलो, बाली को सूचना दो। अरे अंजना दर्द के मारे चिल्ला रही है, अरे वो गर्भ से है, अरे कोई द्वार खोलो, द्वार खोलो, अरे द्वार खोलो, अरे द्वार खोलो, द्वार खोलो, द्वार खोलो। प्रभु अब आप ही उसे बचाइए, प्रभु आप ही के आशीर्वाद से वो मां बनने जा रही है, प्रभु अब आप ही उसे बचाइए, प्रभु आप ही उसे बचाइए, प्रभु बचाइए, प्रभु आप ही से बचाइए, प्रभु तुम अवसर देख कर देख कर देख कर
इस तीर का प्रहार अंजना के कोख पे कर देना, और हमारा ये मायावी तीर अदृश्य होकर अपने लक्ष्य को नष्ट कर देगा। उसका बच्चा मर जाएगा प्रभु, उसके बच्चे को कुछ हो गया प्रभु, तो अंजना भी मर जाएगी और मैं भी अपने प्राण त्याग कर दूंगा प्रभु, अपने प्राण त्याग कर दूंगा प्रभु। प्रभु यदि यही हाल रहा तो उसकी कोख में उसका बच्चा मर जाएगा प्रभु, उसके बच्चे को कुछ हो गया प्रभु, अंजना भी मर जाएगी और मैं भी अपने प्राण त्याग कर दूंगा प्रभु, अपने प्राण त्याग कर दूंगा प्रभु। स्वामी 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 मेरी पीड़ा तो शांत हो गई स्वामी, लग रहा है जैसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सब उस भोलेनाथ की कृपा है। हे देवेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। काका, आप अंजना को क्या हुआ? वो चीख क्यों रही थी? मुझे अचानक तेज पीड़ा हुई, किंतु अब मैं ठीक हूं। धन्यवाद हो भगवान शिव जी का। केसरी, माली हमारा मित्र नहीं शत्रु है। मैंने जब अंजना की चीख सुनी तो मैं भागते हुए तुम्हारे भवन की ओर दौड़ता हुआ आ रहा था, तभी माली को दीवार की तरफ खड़ा मुस्कुराता हुआ देखा, और तुम अंदर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, अरे कोई द्वार खोलो, कोई माली को सूचना दो, अरे अंजना दर्द के मारे चिल्ला रही है, अरे कोई है। प्रणाम माते। अंजना के लिए भेजा गया हमारा अभियान असफल रहा। रावण ने बाली के साथ मित्रता केवल इसलिए की ताकि हम वानरों को दो हिस्सों में बांट सके, और आज बाली और केसरी के बीच शत्रुता का बीज हमने बो ही दिया माते।